नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सपनों का अड्डा चैनल पे। लाइव आना रोज शुरू कर दिया है सुबह 9 बजे जैसे पहले आता था, तो सपने वगैरह जुड़वा लिया करो, ठीक है। तो डेली आता हूँ, कभी कभार थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, 9 बजे के आसपास रहता हूँ। तो जुड़ लिया करो भाई और सपने जुड़वा लिया करो, ठीक है दोस्तों। तो आज का टॉपिक है सपनों में पैसा देखना। अभी लाइव पे था तो कुछ कमेंट यही आए कि 100 रुपये मिले, 1000 रुपये मिले, किसी ने दिए, इस तरह के कमेंट थे। तो सपनों में पैसा मिलना, सपनों में पैसा देखना, इस बारे में आज बात करते हैं। पहले इसके अंक की बात कर लेते हैं, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। सपनों में अगर आपको कोई नोट मिल रहा है, नोट कोई सा भी हो, चाहे 1 रुपये का हो, चाहे 10 का, चाहे 500 का, चाहे 2000 का, चाहे पुराना 1000 का, या कोई सा भी नोट, मतलब कोई सा भी नोट, ठीक है, अगर नोट मिल रहा है तो इसकी जो एक सिंगल शॉट जोड़ी है 09 की बनती है, जो कि आप लोगों ने कल परसों में देखी है, पास हुई है, किसी के सपने की थी, ठीक है, 90 पास हुई थी। पलटी तो ज़रूर करनी पड़ेगी आपको, पलटी ज़रूर करो, हमेशा करो, जैसा कि हमेशा मैं बोलता हूँ। तो नोट मिला, कोई सा भी नोट हो, चाहे 10 का हो, चाहे 20 का हो, चाहे 50 का, चाहे 100 का, चाहे 1000 का, चाहे 500 का, चाहे 2000 का, कोई सा भी नोट हो, तो 09 की जोड़ी ज़रूर खेलनी है, 09 पलटी के साथ। तो ये नोट की जोड़ी बनती है, पर्टिकुलर एक अंक की नहीं कि आपको 10 का मिला या 100 का मिला या 500 का मिला, इस चीज़ को इग्नोर करें। एक बार मैं नोट की बात कर रहा हूँ, अगर आपको नोट मिला, कोई सा भी नोट हो, चाहे पुराना हो, चाहे डॉलर हो, चाहे नेपाली रुपया हो, चाहे पाकिस्तानी रुपया हो, चाहे कोई सा भी हो, अगर कोई सा भी नोट मिलता है, पुराना नोट, जैसे 1000 के नोट बंद हो चुके हो सकते हैं, वो आ जाए सपने में, सपने में कुछ भी आ सकता है भाई, तो 09 की जोड़ी खेलनी है आपको पलटी के साथ, ठीक है दोस्तों। तो इस बात का ध्यान रखना। अब बात करते हैं नोट कितने का मिला आपको। 10 का नोट मिल सकता है, 50 का मिल सकता है, 100 का मिल सकता है, अगर आप इंडियन रुपीज़ में बात करें, बाहर का मुझे नहीं पता, ठीक है, 1000 का भी हो सकता है पुराना नोट, 2000 का नया नोट भी हो सकता है, वो भी अब बंद होने जा रहा है, 1 रुपये का हो सकता है, 2 रुपये का हो सकता है, 5 रुपये का हो सकता है। तो ये नोट जो इंडिया में चल रहे हैं या चलते थे, तो इनमें से कोई सा भी नोट आपको मिल सकता है, तो उसका जो नोट का अंक है वो पकड़ना है आपको, जैसे कि 10, अगर 1000 है या 100 है तो इसमें से पहला 10 और पीछे का 00, ठीक है, ये देखिए, ये पहला 10, 10 की जोड़ी पकड़नी है और पीछे की 00 की जोड़ी पकड़नी है आपको। इसी तरह से 20, ये 2000 में भी ऐसे ही सेम कंडीशन है, 20 पकड़नी है और पीछे की 00 पकड़नी है। इसी तरह से सेम रहेगा 500 में भी, 50 पकड़ना है और 00 पकड़ना है। तो ये दो जोड़ियां बनती हैं, अगर आपका बड़ा नोट है तो कोई 100, 200, 500, 1000, ऐसा 2000, तो इसमें दो जोड़ियां बन जाएंगी। और जो सिंगल है, जैसे 10 है, 50 है, 2 है, 5 है, 1 है, जो भी है, तो वो आपकी सिंगल जोड़ी बनेगी पलटी के साथ, ठीक है दोस्तों। और 09 आपको हर कंडीशन में पकड़नी ही पकड़नी है, कोई सा भी नोट हो, तो ये जोड़ियाँ बनती हैं। और सिक्के मिले, कॉइन मिले, कुछ चिल्लर मिले, तो 07 की एक जोड़ी है, और जितने का सिक्का रहेगा, जैसा 1 का रहे या 2 का रहे या 5 का रहे, ठीक है, 20 के भी सिक्के आ गए हैं, शायद 75 के भी अभी आ रहे हैं, तो जो भी सिक्का रहेगा वो, जो सिक्का जितने का रहेगा वो, और अगर ज़्यादा सिक्के हैं, सिक्कों के ढेर हैं, तो 07 और 77 की जोड़ी, तो ये दो जोड़ियाँ बनेंगी। तो ये तो हो गया अंक की बात। अब सपने में पैसा मिलना, कोई किसी तरह भी का भी पैसा हो, रुपए हो, नोट हो, सिक्के हो, कोई खजाना हो, तो वो शुभ है, अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि पैसा हर कोई कमाना चाहता है, पैसा हर कोई चाहता है, तो शुभ है, ये पैसा मिलने के संकेत हैं, आने वाले टाइम में कोई धन लाभ हो सकता है आपको, कहीं से कोई पैसा मिल सकता है, तो इस तरह का संकेत है, ये अच्छा सपना है, पैसा देखना या मिलना या किसी से मिलना, लेना या गिरा हुआ पैसा मिलना, रुपया मिलना, जो भी है, पूरी तरह से शुभ है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को ये ध्यान से देख लेना, समझ लेना, ताकि आप लोगों को जोड़ियाँ बनाने में दिक्कत ना हो बाद में, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो दोस्तों, और लोगों को भी करवाओ। थैंक यू ऑल।